guys, you all has joined this channel since a very long time. As you can see, it's 2th anniversary of Gamer Boy Shubu YouTube channel. This whole adventure was crazy. Hope we will stay together in future also. 2 years are not a joke. All supporters of this channel, guys, love you all, and thank for your support. And we also completed 500 subscribers right now. It's fantastic. One day this channel will you more upper. And for now, in this year, Gamer Boy Shubu are going to make more Minecraft content just for you guys. And wish you Happy New Year also, guys. It's glad that our channel anniversary comes just after the new year. Boys, it's possible that Gamer Boy Shubu can be still inactive in this channel since we are on a big project. Yep, related to Minecraft. It's definitely super crazy. Well, here you go with your host, Gamer Boy Shubu. Enjoy. सब गाइस एंड वेलकम बैक. इतने ज़्यादा टाइम के बाद एक नई वीडियो में मैंने एनिवर्स पे सब वीडियो डाली थी एंड फाइनली हमारे चैनल का 2nd एनिवर्सरी भी आ जा चुका है. एंड आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स भी बस हो ही जा चुके हैं. एंड मैंने सोचा ही था कि 2nd एनिवर्सरी आते आते तो वह अपने हो ही जाएंगे. एंड हाँ, मुझे पता है कि मैं एक महीने से गायब था. मैं उस टीबीटी टॉयलेट के एडवान पर काम कर रहा था पर अनफॉर्चुनेटली वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. पर अभी मैं एक और दूसरे एडोन पे भी काम कर रहा हूँ जो कि एनिमल्स का एडोन होगा, यानी कि माइनक्राफ्ट में आप लोग को और भी रियलिस्टिक एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे. एंड उन सब चीज़ों पे मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, सो वो आ सकता है. एंड हाँ, वो तो मैं कह सकता हूँ कि वो आएगा क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा उतना कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स वगैरह नहीं डालने पड़ते जो मुझे प्रीवियस एडोन में करने पड़े थे. पर हाँ, ये एडोन बहुत जल्द आ भी जाएगा. एंड हम इस ईयर की स्टार्टिंग में हम बहुत से माइनक्राफ्ट के कंटेंट्स डालने वाले हैं, सो वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है. एंड भाई, वैसे तो मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सारे आइडियाज़ सोचे थे पर क्या करें, टाइम की कमी हो गई. और भाई, मेन थिंग ये थी कि जब मुझे सब तैयारियाँ करनी थी उसी टाइम पर मैं बीमार पड़ गया. और बीमार होने की वजह से भाई जितना मेरे पे जो एक दो दिन का टाइम था वो टाइम भी चला गया, तो इसलिए ये वीडियो उतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं रह पाई. पर फिर भी मैंने ट्राई किया है रात जग के कि भाई आप लोग को थोड़ा बहुत इस वीडियो में मज़ा आए, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हो इस वीडियो में. एंड यप, एंड भाई कमेंट सेक्शन में चैनल को हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना भाई. चैनल 2 साल हो चुके हैं चैनल को कम्प्लीट हुए. हाँ, वैसे ये कुछ इतनी खास बात भी नहीं है क्योंकि ये तो एक टाइप ऑफ वही हो गया कि इतने ज़्यादा टाइम तक चैनल पर होने के बावजूद भी सिर्फ इतने ही सब्सक्राइबर हमारे हो सके. वेल, ये तो रही हेटर्स की बात. तो तब तक हम लोग चैनल के बात पे भी वापस आ जाते हैं. सो यप, चैनल की यार क्या ही बात करूँ यार. चैनल हम लोग ने कैसे मतलब हम लेके चले गए चैनल को, ये तो मुझे भी नहीं पता चला. इससे पहले न जाने मैंने कितने चैनल्स पर अपना ट्राई किया था पर मुझसे हो नहीं पाया. ये वाला चैनल कुछ अलग ही था, मतलब मैंने अच्छे से इसकी डेट भी फिक्स की, सब अच्छे से इस चैनल पे हुआ गाइस. एंड आई थिंक आगे भी यही चैनल भाई हमारा रहेगा. एंड भाई काफ़ी एडवेंचरिस्टिक रहा था ये पूरा यूट्यूब का सफ़र बिकॉज क्योंकि मेरा ना हमेशा से सपना था कि एक ना एक टाइम पर मेरी वीडियो पर भी व्यूज़ आए. मतलब मैं चाहता था मेरी वीडियो पर भी 1000 के ऊपर व्यूज़ हो. कोई मतलब मेरी वीडियो में चाहता था कि कोई एक वीडियो ही सही लेकिन उस पर 1000 प्लस व्यूज़ तो होने ही चाहिए. कोई भी पॉपुलर वीडियो हो जाए वो, पर इतना तो होना ही चाहिए. एंड भाई, हम लोग 1000 तो दूर की बात है, हम लोग ने उससे भी कितना ज़्यादा ऊपर तक के व्यूज़ इस चैनल पे ले लिए. लाइक एंड इन्हीं वीडियोज़ की वजह से आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स पर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए. सब्सक्राइबर्स अगर बढ़े ना तो वो भी इसी रीज़न से. एंड व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं. बट मेनली देखा जाए तो ये सारी वीडियोस मोड मेन्यू की वीडियोस थी, यानी कि इस कंटेंट पे जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं. उनको सिर्फ गेम जो डाउनलोड हो रही है उससे मतलब है, उन्हें हमारे कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है. वो लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं. सो एक मतलब ये भी होता है. पर मैंने सोचा कि यार अभी न्यू ईयर आ रहा है, कब तक ऐसे कैसे करते रहेंगे. और वैसे भी अपनी गेम प्ले सीरीज़ अगर आप लोग देखो गाइस, सो गेम प्ले सीरीज़ भी वैसे ही चले जा रही है. लाइक कुछ भी उसके अंदर नहीं है. गेम प्ले सीरीज़ में भी किसी को कोई फ़र्क पड़ा नहीं रहा. सो आई फाइनली डिसाइडेड कि अब न्यू ईयर के साथ हम न्यू कंटेंट डालेंगे जो कि होने वाला है माइनक्राफ्ट के ऊपर. अगर आप स्क्रीन पर देखो तो हम लोगों ने 2 बहुत ज़्यादा एक स्पेशल टाइप ऑफ माइनक्राफ्ट वीडियोस बने थे जो कि थी 100 डेज इन माइनक्राफ्ट. दोनों वीडियोस को बनाने में आई थी मुझे एक हफ्ते जितना टाइम लगा था रियल लाइफ के.
एंड वीडियो में भी मैंने काफ़ी अच्छा अपना ट्राई किया था कि एक मैं एंड्रॉयड फ़ोन से कितना मैं अच्छा बना सकता हूँ, जितना मैं दे सकता था अपना उतना मैंने ट्राई किया। एंड काफ़ी हद तक मैंने उन वीडियोस को बनाया, उनमें भी हालांकि व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आए, पर एक टाइप ऑफ मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं इस टाइप से कंटिन्यू करूँ तो आगे चल के भी भाई मैं माइनक्राफ्ट के ऊपर कंटेंट और बना सकता हूँ। सो आप लोग के क्या ओपिनियन से, क्या मैं माइनक्राफ्ट पे और कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल के चाहे कितना भी बोल लूँ, आप लोग वहाँ तो हाँ बोल ही दोगे पर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए जस्ट मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। सो आप लोग ये ओपिनियन से भी ज़रूर से बताना। सो मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने पुराने लाइक अचीवमेंट्स वगैरह दिखाऊंगा चैनल के, कि पहले से हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें की है, बट उन सब के लिए जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जस्ट फॉर द दिस रीज़न हम नहीं बना पाए ढंग से वीडियोस। एंड मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बुरा लग रहा है कि अगर मेरे पर टाइम होता तो मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाता, क्योंकि सेकेंड एनिवर्सरी है। फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि टाइम वगैरह मिला नहीं था और मैंने बस ऐसे ही आप लोग से लाइक वीडियो बना दी थी, बाकी मैंने कुछ भी उसमें अच्छे से नहीं किया था। मैंने इस बारी माइनक्राफ्ट, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि मैं न्यू ईयर को पूरा माइनक्राफ्ट कंटेंट डालने वाला हूँ इस ईयर से, सो मैंने सोचा था कि मैं ये जो सेकेंड एनिवर्सरी है यही से स्टार्टिंग करता हूँ। इसके अंदर मैं इस स्पेशल वीडियो में मैं जो है माइनक्राफ्ट के लाइक यूज़ करूँगा क्लिप्स, पर वही दिक्कत हो गई जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है। सो या ये सब कुछ तो चलता रहेगा एंड हम न्यू ईयर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मैं फ़िलहाल कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स ट्राई कर रहा हूँ जिनके ऊपर हम फनी वीडियोस भी बना सकते हैं एंड बहुत सारे मज़े आएंगे इस न्यू ईयर को। होप कि न्यू ईयर में लाइक अच्छा जाए सब कुछ और ये ईयर बुरा ना हो, क्योंकि बाकी के जो पुराने ईयर्स गए हैं उनमें कुछ भी अच्छा तो हुआ नहीं है खास। हाँ हम कह सकते हैं कि भाई चैनल हमारा इतना आगे आया वो तो है, पर बाकी चीज़ों में उतने खास हमारे न्यू ईयर गए नहीं है, सो आगे चल के जाए तो वो अच्छा रहेगा। एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ गाइस आप लोग से अलविदा कह के, एंड चिंता मत करना हम न्यू वीडियो में दोबारा मिलेंगे। सो आप लोग को तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ मैं एडॉन पर जो काम कर रहा हूँ वो भी बहुत जल्द आएगा। आप लोग को गुड बाय, सी यू सून।